मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ग्वालियर पुलिस की ओर से बाल भवन में दुर्घटना राहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्वालियर डीआईजी आईजी अविनाश शर्मा, पुलिस अधीक्षक अमित सांगी, एडिशनल एसपी हितिका वासल, ट्रैफिक डीएसपी नरेश अनोठिया सहित अन्य थाना प्रभारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ट्रैफिक वार्डन को दुर्घटना राहत प्रशिक्षण अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा दिया गया। एडिशनल एसपी हितिका वासल ने सभी ट्रैफिक वार्डन को संबोधित करते हुए कहा कि कभी भी दुर्घटना होने पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम और 108 एम्बुलेंस को फोन कर सूचित करें और लोकेशन की जानकारी सही दे ताकि लोकेशन ढूंढने में किसी को परेशानी ना हो। ये हम लोगों ने फर्स्ट एड के बॉक्सेस बनवाए थे। ये हमारी ट्रैफिक वार्डन के जो संजय कटल जी हैं, उन्होंने इसमें काफ़ी योगदान किया। और इस फर्स्ट एड बॉक्सेस में बेसिकली जो फर्स्ट एड के बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे कि बैंडेज, सेवलॉन, सुफ्रमाइसिन, ऐसी सी बेसिक दवाइयाँ और बेसिक फर्स्ट एड के बैंडेज वगैरह इसमें उपलब्ध हैं। और आने वाले समय में इसमें हम और क्या क्या बढ़ा सकते हैं वो भी इसमें डॉक्टर से लिस्ट लेकर देंगे। ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे ग्वालियर शहर में 9 ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो ये उतने ही ब्लैक हमने वो बनाए हैं, 9 बनाए हैं, जो कि हर ब्लैक स्पॉट पे एक फर्स्ट एड बॉक्स रहे। बिल्कुल इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी है कि अगर कोई घायल व्यक्ति है उसका कैसे फर्स्ट जो प्राथमिक उपचार होता है वो कैसे करना है जिससे वो मृत्यु ना हो पाए उसकी, और गोल्डन आवर जिसको कहते हैं उस गोल्डन आवर में कैसे इंसान की मदद करनी है। इसके लिए हम जो आसपास के डॉक्टर्स हैं और आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी लाइजनिंग करवा रहे हैं कि ज़्यादा दूर व्यक्ति को ना जाना पड़े, आसपास के डॉक्टर्स में ही वो आसपास के हॉस्पिटल्स में ही वो तुरंत अपना स्टार्टिंग एटलीस्ट इलाज शुरू करवा पाए और फिर उसके बाद जिस भी हॉस्पिटल में जाना चाहे जा सकता है। ये ग्वालियर पुलिस की ये एक अभिनव सोच है, एक्सीडेंट रिलीफ वार्डन। ट्रैफिक वार्डन तो पहले हमने बनाए थे और ये अस्तित्व में है और अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। इसके बाद ये एक्सीडेंट रिलीफ वार्डन, ये सोच करके कि एक्सीडेंट के स्पॉट पर तत्काल जो घायल व्यक्ति है उसको मेडिकल सुविधा प्राप्त हो जाए, इसके उद्देश्य से ऐसे 9 ब्लैक स्पॉट चुने गए हैं पूरे ज़िले में, और वहाँ पर रहने वाले स्थानीय 2 लोगों का चयन किया गया है जो वॉलंटियर के रूप में एक्सीडेंट रिलीफ वार्डन का काम करने के लिए उद्यत है। उन सबका आज ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इसमें डॉक्टर्स को भी बुलाया गया था, यहाँ पर एक पुतला भी रखा गया था ये सिखाने के लिए कि ये घायल व्यक्ति के रूप में है तो आप कैसे कैसे काम करेंगे, कैसे उसको पंपिंग करना है, कैसे उसको ऐसी कार्रवाइयाँ करना है जो तत्काल उसकी जान बचाने में आवश्यक है। ये हर स्थान से, हर ब्लैक स्पॉट से 2 लिए हैं। अभी हम ये प्राथमिक स्टेज है, इनको फर्स्ट एड बॉक्स भी दिया गया है। अब इसका हम और परिशीलन करेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो डायल 100 के स्पॉट्स जो हैं, जो उनका नोडल पॉइंट कहलाता है, उनको भी हम इन ब्लैक स्पॉट के हिसाब से रीएलोकेशन कर सकते हैं। ये 18 है, इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, उनका पार्टिसिपेशन जरूर कम है क्योंकि, लेकिन ये खुशी की बात है कि डबरा क्षेत्र से एक महिला प्रतिनिधि भी इसमें आज उन्होंने हिस्सा लिया। ग्वालियर से सोमेश शर्मा की रिपोर्ट।